हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट ग्लैम अप क्वीन। सो गाइस, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्राइडल उपटन, जिसकी हेल्प से आप अपनी स्किन को वाइट एंड ब्राइटन बना सकते हैं, ग्लोइंग बना सकते हैं और स्पॉटलेस बना सकते हैं। और गाइस, अगर आपकी शादी होने वाली है तो कम से कम 15 दिन पहले से इस उपटन को लगाना शुरू कर दीजिए, और शादी वाले दिन आपकी जो स्किन है वो इतनी ज़्यादा नेचुरल ग्लो करेगी, साथ ही साथ आप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़र आएंगी। और गाइस, अगर आपकी शादी होने वाली है या नहीं होने वाली है, करवा चौथ भी आ रहा है, तो इस उपटन को आप कम से कम 15 दिन पहले से भी लगाना शुरू कर देंगी तो आपकी स्किन वाइट एंड ब्राइटन और ग्लोइंग होगी, साथ ही साथ आपकी स्किन में नेचुरल निखार आएगा। इस उपटन को बनाने के लिए आपको जिन जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमें ज़रूरत होगी मुल्तानी मिट्टी पाउडर। मुल्तानी मिट्टी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, हमारी स्किन को वाइट एंड ब्राइटन बनाएगी और साथ ही साथ स्पॉटलेस बनाएगी। मुल्तानी मिट्टी के बाद हमें चाहिए होगा बेसन, यानी ग्राम फ्लोर। बेसन हमारी स्किन से दाग धब्बों को दूर करेगा, एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम को दूर करेगा और हमारी स्किन को वाइट एंड ब्राइटन बनाएगा। उसके बाद हमें चाहिए टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी पाउडर। हल्दी भी हमारी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, इससे हमारी स्किन से दाग धब्बे दूर होते हैं, एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम भी दूर होती है। उसके बाद हमें चाहिए लेमन यानी नींबू, और नींबू भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है हमारी स्किन वाइटनिंग के लिए। लेमन के बाद हमें चाहिए रोज़ वाटर यानी गुलाब जल। रोज़ वाटर हमारे स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस करता है और हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। रोज़ वाटर के बाद हमें चाहिए रॉ मिल्क यानी कच्चा दूध। कच्चा दूध भी हमारी स्किन पर क्लिंजिंग का काम करेगा, साथ ही साथ हमारी स्किन को वाइट एंड ब्राइटन बनाएगा। अब बात करते हैं कि इस ब्राइडल उपटन को किस तरीके से बनाना है और किस तरीके से यूज़ करना है। इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक क्लीन बोल लेना है, जिसमें आपको कम से कम 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी पाउडर ऐड करना है। उसके बाद आप इसमें 1 चम्मच बेसन ऐड कर लीजिए यानी ग्राम फ्लोर। उसके बाद मैं यहाँ पर 1/4 चम्मच टर्मरिक पाउडर ऐड करूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पर 1 चम्मच लेमन जूस ऐड करूँगी, और बाद में मैं यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच रोज़ वाटर ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप इसे जैसे जैसे मिक्स करेंगे बहुत ही थिक पेस्ट बन जाएगा। अब इसको स्मूथ बनाने के लिए आप इसमें कम से कम 2 से 3 चम्मच कच्चा दूध ऐड कर लीजिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आपको कच्चा दूध धीरे धीरे ऐड करना है ताकि आप स्मूथ क्रीमी पेस्ट तैयार कर सकें और बहुत ही अच्छे से आपके फेस पर जो अप्लाई हो सके। आप देख सकते हैं मेरा एकदम स्किन वाइटनिंग ब्राइडल उपटन एकदम रेडी हो चुका है। आपको इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इसी तरीके की रखनी है। अब बात करते हैं कि इस ब्राइडल उपटन को किस तरीके से यूज़ करना है और इसके रिजल्ट्स कितनी जल्दी मिलेंगे आपको। जब भी आप कोई भी फेस पैक, कोई भी क्रीम यूज़ करें, कोई भी उपटन लगाए, तो आपको अपना फेस अच्छे से वॉश कर लेना है ताकि आपके फेस से डस्ट डर्ट जो भी हो वो रिमूव हो जाए। और उसके बाद आप ब्रश की हेल्प से या फिर अपने फिंगर्स की हेल्प से अपने पूरे फेस पर इस उपटन को अप्लाई कर लीजिए। इसमें मैंने जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं वो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल और इफ़ेक्टिव हैं। 100% रिजल्ट्स मिलेंगे आपको इसके, साथ ही साथ आपकी स्किन को कोई हार्म भी नहीं होगा, बहुत ही ज़्यादा नेचुरल हैं। इसमें मैंने जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं वो आपकी स्किन को वाइट एंड ब्राइटन बनाएंगे, साथ ही साथ स्किन की प्रॉब्लम्स को भी दूर करेंगे। अगर आपकी स्किन में एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन हो गई है, टैनिंग हो गई है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स दूर होगी। और गाइस, इस उपटन को आप अपने फेस के साथ साथ अपनी पूरी बॉडी पर भी अप्लाई कर सकते हैं, अपने हैंड्स पर, लेग्स पर, नेक पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इससे अगर आपके हैंड्स पर, लेग्स पर, नेक पर डार्कनेस है तो वो भी दूर होगी। इस उपटन को लगाने के बाद आपको इसे हल्का सा सूखने के लिए छोड़ देना है, और उसके बाद जब भी हल्का हल्का सूख जाए तो आपको मसाज करनी है अपने हैंड्स की, अपने जहाँ पर भी इस उपटन को अप्लाई किया है आपको धीरे धीरे मसाज करनी है। ये देखिए, इस तरीके से आप अच्छे से मसाज कर लीजिए। आपको बहुत ही जेंटली मसाज करनी है। मसाज करने के बाद आपको इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना ताकि अच्छे से प्रॉपर सूख जाए। जब ये अच्छे से सूख जाएगा तो आपको अपना फेस नॉर्मल वाटर से अच्छे से वॉश कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर अपना फेस अच्छे से वॉश कर लिया है और आप देख सकते हैं कि इसके पहले ही यूज से मेरी स्किन पर कितना ज़्यादा अलग सा ग्लो आ रहा है और कितना ज़्यादा ये इंस्टेंट ब्राइटनिंग उपटन है। इसके पहले यूज़ से आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे, तो आप इसे अगर आपकी शादी होने वाली है तो कम से कम 15 दिन पहले से शुरू कर दीजिए, और करवा चौथ भी आने वाला है तो आप इसे यूज़ करना शुरू कर दीजिए।
सो गाइज ये था मेरा इंडियन ब्राइडल उपटन, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल और इफ़ेक्टिव है, 100% रिजल्ट्स मिलेंगे आपको उसके। तो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही, मैं मिलूँगी आपको अगली नई वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।